चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी अभागी का स्वर्ग। 7 दिनों तक ज्वरग्रस्त रहने के बाद ठाकुरदास मुखर्जी की वृद्धा पत्नी की मृत्यु हो गई। मुखोपाध्याय मां से अपने धन के व्यापार से काफी समृद्ध थे। उन्हें 4 पुत्र 4 पुत्रियां और पुत्र पुत्रियों के भी बच्चे, दामाद, पड़ोसियों का समूह, नौकर चाकर थे। मानो यहाँ कोई उत्सव हो रहा हो। धूमधाम से निकलने वाली शव यात्रा को देखने के लिए गांव वालों की काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। लड़कियों ने रोते रोते माता के दोनों पांवों में गहरा आलता और मस्तक पर बहुत सा सिंदूर लगा दिया। बहुओं ने ललाट पर चंदन लगाकर बहुमूल्य वस्त्रों से सास की देह को ढंक दिया और अपने आंचल के कोने से उनकी पद धूलि झाड़ दी। पत्र, पुष्प, गंध माला और कलरव से मन को यह लगा ही नहीं कि यहाँ कोई शोक की घटना हुई है। ऐसा लगा जैसे बड़े घर की गृहिणी 50 वर्षों बाद पुनः एक बार नई तरह से अपने पति के घर जा रही हो। शांत मुख से वृद्ध मुखोपाध्याय अपने चीर संगिनी को अंतिम विदा देकर छिपे छिपे दोनों आंखों के आंसू पोंछकर शोकार्त कन्या और बहू को सांत्वना देने लगे। प्रबल हरि ध्वनि राम नाम सत्य है से प्रातःकालीन आकाश को गुंजित कर सारा गांव साथ साथ चल दिया। एक दूसरा प्राणी भी थोड़ी दूर से इस दल का साथी बन गया। वो थी कंगाली की माँ। वह अपनी झोपड़ी के आंगन में पैदा हुए बैंगन तोड़कर इस रास्ते से हाट जा रही थी। इस दृश्य को देखकर उसके पग हाट की ओर नहीं बढ़े, उसका हाट जाना रुक गया और उसके आंचल में बैंगन बंधे रह गए। आंखों से आंसू बहाती हुई वो सबसे पीछे शमशान में आ उपस्थित हुई। शमशान गांव के एकांत कोने में गरुड़ नदी के तट पर था। वहां पहले से ही लकड़ियों का ढेर, चंदन के टुकड़े, घी, धूप, धुनी आदि उपकरण एकत्र कर दिए गए थे। कंगाले की माँ को निकल जाने का साहस नहीं हुआ, अतः वह एक ऊंचे टीले पर खड़ी होकर शुरू से अंत तक सारी अंत्येष्टि क्रिया को उत्सुक नेत्रों से देखने लगी। चौड़ी और बड़ी चिता पर जब शव रखा गया, उस समय शव के दोनों रंगे हुए पांव देखकर उसके दोनों नेत्र शीतल हो गए। उसकी इच्छा होने लगी कि दौड़कर मृतक के पांवों से एक बूंद आलता लेकर वह अपने मस्तक पर लगा ले। अनेक कंठों की हरिध्वनि के साथ पुत्र के हाथों में जब मंत्रपूत अग्नि जलाई गई, उस समय उसके नेत्रों से झरझर पानी बरसने लगा। वह मन ही मन बारंबार कहने लगी, सौभाग्यवती माँ, तुम स्वर्ग जा रही हो, मुझे भी आशीर्वाद देती जाओ कि मैं भी इस तरह कंगाली के हाथों अग्नि प्राप्त करूं। लड़के के हाथ की अग्नि कोई साधारण बात नहीं। पति, पुत्र, कन्या, नाती, नातिन, दास, दासी, परिजन, संपूर्ण गृहस्थी को उज्जवल करते हुए यह स्वर्गारोहण देखकर उसकी छाती फूलने लगी, जैसे इस सौभाग्य की वह फिर गणना ही न कर सकी। सद्य प्रज्वलित चिता का अजरस्र धुआं नीले रंग की छाया फेंकता हुआ घूम घूम कर आकाश में उठ रहा था। कंगाली की माँ को उसके बीच एक छोटे से रथ की आकृति जैसे स्पष्ट दिखाई दे गई। उस रथ के चारों ओर कितने ही चित्र अंकित थे। उसके शिखर पर बहुत से लता पत्र जड़े हुए थे। भीतर जैसे कोई बैठा हुआ था, उसका मुंह पहचान में नहीं आता, परंतु उसकी मांग में सिंदूर ही की रेखा थी और दोनों पद तल आलता यानी महावर से रंगे हुए थे। ऊपर देखती हुई कंगाली की माँ की दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। इसी बीच एक 15-16 वर्ष की उम्र के बालक ने उसके आंचल को खींचते हुए कहा, तू यहाँ आकर खड़ी है, माँ भात नहीं रांधेगी? चौंकते हुए पीछे मुड़कर माँ ने कहा, रांधूंगी रे। अचानक ऊपर की ओर उंगली उठाकर व्यक्त स्वर में कहा, देख देख बेटा, ब्राह्मणी माँ उस रथ पर चढ़कर स्वर्ग जा रही हैं। लड़के ने आश्चर्य से मुंह उठाकर कहा, कहाँ? फिर क्षण भर निरीक्षण करने के बाद बोला, तू पागल हो गई है माँ, वह तो धुआं है। फिर गुस्सा होकर बोला, दोपहर का समय हो गया, मुझे भूख नहीं लगती है क्या? पर माँ की आंखों में आंसू देकर बोला, ब्राह्मणों की बहू मर गई है तो तू क्यों रो रही है माँ? कंगाली की माँ को अब होश आया। दूसरे के लिए शमशान में खड़े होकर इस प्रकार आंसू बहाने पर वह मन ही मन लज्जित हो उठी। यही नहीं,
बालक के अकल्याण की आशंका से तुरंत ही आंखें पहुंचकर तनिक सावधान संयत होकर बोली, रोंगी किसके लिए रे, आंखों में धुआं लग गया। वो यही तो। हाँ, धुआं तो लग ही गया था, तू रो रही थी। माँ ने और प्रतिवाद नहीं किया, लड़के का हाथ पकड़कर घाट पर पहुंची। स्वयं भी स्नान किया और कंगाले को भी स्नान कराकर घर लौट आई। शमशान पर होने वाले संस्कार के अंतिम भाग को देखना उसके भाग्य में नहीं बदा था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है, अभागी का स्वर्ग।